अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस फ्रॉक की कटिंग और ड्राइविंग की सेटिंग का तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आपने अपनी फ्रॉक को पेमाइश करना है। तो ये देखें, मैं फ्रॉक को पेमाइश कर रही हूँ। ये मेरा फ़्रॉक 23 इंच तैयार है, ठीक है जी। मेरा ए लाइन बना हुआ है। तो आज हमने जो फ़िराक बनाना है वो हमने लिनन के कपड़े पर बनाना है और चुनट वाला बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ऐसे ऊपर से इंची स्टेप को ऐसे रखना है, और उसके बाद आपने जहाँ हमारी चेस्ट की फ़िटिंग बनती है वहाँ तक आपने एक निशान बना लेना है। तो देखें, ये 8.5 इंच पर बनती है, ठीक है। ये ऐसे मैं निशान लगा रही हूँ। अब आपने इसे छोड़ देना है। ये हमारा पेटी वाला हिस्सा है जो हम पेटी बनाएंगे। अब आपने यहाँ से इंची स्टेप को ऐसे रखना है और नीचे से इसको पेमाइश करना है, जो हमने घघरी के लिए पीस लेना है। तो ये बनता है 14 इंच, ठीक है। तो 2 इंच मैं फोल्डिंग के लिए लूँगी और 1 इंच सिलाई के लिए, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये देखे, मैंने पीस को उतारा हुआ है। तो ये मेरा 17 इंच का पीस है, ठीक है। इसकी मैंने लेंथ 17 इंच रखी है। थोड़ी बहुत हमारे कपड़े में रेब है तो इसका बैलेंस वहीं पूरा हो जाएगा। तो चौड़ाई मैंने अंदाजे से ली है। चौड़ाई मैंने तकरीबन इसकी 32 इंच रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1 गज रखना चाहें, 36, या आप 32 से कम भी रखना चाहें, आपके पास कपड़ा थोड़ा कम है, तो फिर आप इसका घेर थोड़ा कम भी कर सकती हैं। लेकिन चुनट वाले फिराक हमेशा थोड़े घेर वाले ही अच्छे लगते हैं। तो आपने अब क्या करना है, ये मेरे पास फ्रंट और बैक, ये देखें, ये 2 पीसीज हैं, ठीक है। लेंथ आपके सामने है और चौड़ाई भी मैंने इसकी उतारी हुई है। अब मेरे पास ये नेट है, इसको मैंने पीको बनवाया हुआ है। तो और ये मेरे पास रेड कलर में लेस है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये जो 2 पीस है ना आपके, एक साइड से आपने इसकी किनारी बना लेनी है ऐसे। इसको आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ये मेरी जो नेट की पट्टी है इसकी चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है। लेकिन अगर आप इससे कम करना चाहें तो कर सकती हैं, अगर ज़्यादा रखना चाहें तो ज़्यादा भी रख सकती हैं, ठीक है। और इसकी चौड़ाई मैंने तकरीबन, ये देखें, मैं अब ऐसे पीस को पेमाइश कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। ये एक पीस को आपने ऐसे पेमाइश करके इसको डबल कर लेना है। फिर आपने एक पट्टी डबल लेनी है क्योंकि हमने इस पर चोन डालने हैं। अब आपने क्या करना है, मैंने इस तरह के ये 4 पीसेस लिए हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो मैं अब आपको इसके लगाने का तरीका समझाती हूँ। पहले आपने इसकी फोल्डिंग बनानी है। फोल्डिंग बनाने के बाद आपने इस नेट की पट्टी को, ये देखें, 1 इंच का फासला है तकरीबन नीचे वाले और ऊपर वाले कपड़े में, तकरीबन 1 इंच का फासला है। तो आपने इस नेट वाले पीस को, जो ये फ्रिल मैंने बनानी है, इसको सिर्फ 1 इंच तक नीचे की तरफ लटकाना है, और ऐसे आपने इस फ्रिल में चोन डालने हैं। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे आपने इसको रखना है ऐसे, ठीक है। जब आपने इस पर चोन डाल लेने हैं तब आपने इस वाले हिस्से पर ऐसे लेस लगा देनी है ताकि ये हमारा जोड़ जो है ये छुप जाए, ठीक है। ये एक स्टेप है, फ्रंट और बैक पर दोनों पर आपने ऐसे ही स्टेप बनाने हैं। फिर जब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने दूसरी पट्टी लेनी है, और उसके बाद आपने ऐसे, ये देखें, अब ये तकरीबन 1 इंच का फासला है। फिर आपने सेंटर से 1 इंच के फासले को रखना है, और यहाँ से आपने ऐसे इसको प्लेट डालने हैं, ठीक है। प्लेट डालने के बाद फिर आपने इस जोड़ पर ऐसे लैस अटैच कर देनी है, ठीक है। फिर आपने तीसरा स्टेप लेना है। तीसरे स्टेप को भी आपने ऐसे ही करना है। फिर आपने 1 इंच का फासला रखना है, और उसके बाद आपने फिर अपने इस तीसरे पीस को यहाँ 1 इंच के फासले पर अटैच कर देना है। ये देखें, इस तरीके से, इस तरह आपने सीधा इसको रखना है और इसमें प्लेट डाल देनी है, ठीक है। धागा खींच कर नहीं डालनी, आपने इस पर हाथ से प्लेट डालने हैं इस तरीके से। अब ये देखें, ये हमारे 3 स्टेप बन जाएंगे फ्रंट के, और बैक के लिए सिर्फ एक हमने ये वाली फ्रिल जो नीचे लटकी हुई है, सिर्फ ये एक स्टेप बनेगा। तो चलिए पहले इसको बनाते हैं, फिर अपनी पेटी को कटिंग करते हैं। ये देखिए, फ्रिलें हमारी बन चुकी हैं, ठीक है। तो अब मैंने ऊपर हाथ से खिसका के चोन डाली हैं। अगर आपने बड़ी बड़ी प्लेट डालनी है तो वो भी आप डाल सकती हैं। देखें, ये बैक का पीस है। अब घघरी हमारी तैयार है, तो अब हमने इसको साइड पे रखते हैं और अपनी बॉडी की तरफ चलते हैं। तो ये देखें, ये मेरी फ्रॉक है,
और यहाँ तक हमने निशान लगाया हुआ था, तो अब इस निशान से हम इसको पेमाइश कर लेते हैं। ये तकरीबन 8.5 इंच है, ठीक है। अब आपने कितना रखना है, 9.5 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए, आधा इंच ऊपर से, आधा इंच नीचे से, ठीक है। और इसकी चौड़ाई को यहाँ से पेमाइश करनी है आपने, इस हिस्से से। ये तकरीबन बनती है 12.5 इंच, और यहाँ से बनता है 11.5 इंच, और हमारा जो तीरा है वो 10 इंच का है, ठीक है। तो चलिए हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, मैंने बॉडी के लिए ये दो पीस उतारे हैं, एक फ्रंट और दूसरा बैक के लिए। तो ये मेरा तकरीबन 10 इंच है, रखना हमने 9.5 है। तो क्या करना है, ये मेरी हल्की सी रेब है, पहले मैं इसको निकालती हूँ कपड़े में। अब तीरे को पेमाइश कर लेते हैं। तो तीरा मेरा 10 इंच था, तो यहाँ हमने रखना है 5.5, यानी कि 11 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए। और उसके बाद आर्म हॉल भी इसका हमने 5.5 इंच ही लेना है, ठीक है। तो अगर आपको आर्म हॉल की कटिंग नहीं आती, या आपको किसी भी फ्रॉक की कटिंग नहीं आती, तो आप सर्च में अनमोल गर्ल बेबी फ्रॉक कोर्स लिखें, और वहाँ पर आपको दो कोर्स मिलेंगे, एक सिलाई कोर्स है हमारा और एक बेबी फ्रॉक कोर्स है, ठीक है। तो आप वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, तो एक बार आपने उसे देखना है और ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए, अब मैं ऊपर से रेब निकाल रही हूँ, इसलिए आपको बोलती हूँ 1 से 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं तो अक्सर हमारे कपड़े में रेब हो जाती है, और ये लीलन है, इसमें तो लाजमी तौर पे ही हो जाती है। तो देखें, यहाँ से हमने 6.5 पे मैंने निशान लगाया, और यहाँ से मैं 6 पे लगा रही हूँ। अब मैंने हल्की सी यहाँ से रेब बनानी है। देखें, ये गोलाई हम इसलिए बनाते हैं, जब भी आपने अपनी किसी भी फ्रॉक की बॉडी को कटिंग करना है, तो आपने ऐसे शेप ज़रूर बनानी है, ठीक है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो अब एक पीस को मैं साइड पे रख रही हूँ, और हम इसका गला कटिंग कर लेते हैं। तो गला हमने गोल बनाना है, गले की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि हमने बेस शेप में गला बनाना है, और गले की जो लंबाई है वो भी मैं 2.5 इंच ही ले रही हूँ। तो ये देखें, अब मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले गला बनाना है, फिर उसके बाद इसका डिज़ाइन सेट करेंगे। देखिए, गला हमारा बन चुका है। मेरे पास अब ये वाइट कलर में नेट है, ये तकरीबन 4 इंच की पट्टी है, तो इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 22 इंच है। अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड करना है, और हाथ से हमने इस पर ऐसे प्लेट डालनी है, इस पूरी पट्टी को तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए, मैंने पट्टी फ्रिल वाली तैयार करके रखी है। अब आपने इसको ऐसे गले पर सेट करना है, और ऐसे आपने इसको रखना है, और गिलू के साथ आपने इसको ऐसे हल्का हल्का गिलू लगाएं। वैसे अगर आप इसे डायरेक्ट मशीन से लगाना चाहें तो डायरेक्ट भी लगा सकती हैं। इसको आपने दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल रखना है, और फिर इस डिज़ाइन को सेट करना है। तो देखिए, दोनों फ्रिलें लग चुकी हैं। अब मैं इस पर लैस लगा रही हूँ, तो ऐसे लैस पर भी मैंने ऐसे गिलू लगाया है, और मैं इस तरीके के साथ इसे ऐसे चिपका दूँगी, बाद में हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखें, दोनों पीसेस तैयार हैं। अब ये जो मेरी फ्रिल वाला नीचे वाला हिस्सा है, अब मैं इसके साथ इसे ऐसे लगाऊंगी। तो दोस्तों, डिज़ाइन कंप्लीट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।